Hey everyone, welcome back to our channel at Khatkathu Riyaz. So guys, आज है ज्ञानवी का फोटोशूट, हमारे न्यूबॉर्न फोटोशूट के लिए. तो ये आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टूडियो LM फोटोग्राफी. सो मैं आपको दिखाती हूँ ये सेटअप, इट्स वेरी 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 ब्यूटिफुल. Here is she getting ready. तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्ञानवी रेडी हो रही है अपने फर्स्ट लुक के लिए. जो फोटोशूट का फर्स्ट सेटअप किया है वो ब्लू कॉम्बिनेशन का है, तो ज्ञानवी ने ब्लू रैप पहना है. रेडी तो पूरा हो चुकी है, बट अभी वो अच्छे से जागी हुई है, आईज पूरी वाइडली ओपन है. तो फोटोग्राफर ने बोला कि उसे सुलाना होगा. गाइज, एक्चुअली ना न्यूबॉर्न्स की पिक्चर्स जो होती हैं वो सोते हुए ही क्लिक की जाती हैं, ताकि वो ज़्यादा हिले डुले ना और ईजिली क्लिक करा लें. पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जगते हुए बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, बट जब एक्चुअली पिक्चर्स हमने देखी ना कैमरा में, जब दिखाई फोटोग्राफर ने, तो बहुत ही फ़नी पिक्चर्स थी. वो कुछ ऐसे अजीब अजीब से फेसेस बनाते हैं, बच्चे हिलते डुलते हैं, तो बहुत ही फ़नी पिक्चर्स आ रही थी. मज़ा नहीं आ रहा था उतना जितना न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में आता है, तो इसलिए हमें सुलाना ज़रूरी था. अभी फाइनली वो ऑलमोस्ट सोने वाली है, तो हम रेडी हैं. फोटोग्राफर यहाँ पे सेटअप ठीक से कर रही है. तो फर्स्ट लुक मैं आपको पिक्चर्स ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी जब कि कैसे पिक्चर्स आई हैं हमारी. अभी तो मैं आपको सिर्फ सेटअप और स्टूडियो का लुक दिखा रही हूँ. ज्ञानवी ने कैसे रिएक्ट किया और कैसे सपोर्ट किया पिक्चर्स. गाइस, मुझे ना एक ट्रिक भी पता चली कि बेबी को काम डाउन कैसे करते हैं, उसे डीप स्लीप में कैसे ला सकते हैं. तो ये मुझे पता चला फोटोग्राफर के थ्रू. उसने क्या किया कि बिल्कुल कान के पास जाके, बहुत बिल्कुल नज़दीक नहीं, थोड़ा सा दूर, लाइक चीक के पास कह सकते हो, बेबी के चीक के पास जाके ना ऐसे वाला साउंड करना है, जैसे बहुत ही कामिंग ऐसे कॉन्टीन्यूसली करना है, जिससे ना बेबी को बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, वो काम डाउन हो जाता है और बहुत जल्दी सो जाता है. ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई, मैं भी घर पे भी बहुत ट्राई करती हूँ इस ट्रिक को और बहुत काम आती है. तो आप भी ट्राई करके देखना, अगर आपका बेबी सो नहीं रहा है, बिल्कुल नींदों में है बट फिर भी क्रैंकी हो रहा है, सो नहीं पा रहा है, तो ये वाला ट्रिक. जितनी देर फोटोशूट हो रहा था उतनी देर मैंने ये कैप्चर किया स्टूडियो में, जो जो सामान था. तो आप देख सकते हैं कितनी सारी एक्सेसरीज़ हैं बेबी से रिलेटेड, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बहुत ढेर सारी एक्सेसरीज़ थी, स्पेशली गर्ल्स के लिए. ऑब्वियसली गर्ल्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेड बैंड्स एंड ड्रेसेस. ड्रेसेस भी बहुत प्यारी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थी. देखिए, आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्टॉक था यहाँ पर, और प्लस सेटअप्स के भी बहुत सारे आइडियाज़ थे. बकेट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बास्केट्स थे, और भी बहुत कुछ था. तो लाइक मेरा तो मन कर रहा था कि सब में कुछ ना कुछ करा लूँ, सारी ड्रेसेस में करा लूँ, बट वो पैकेज जो हमने लिया था उसमें कुछ लिमिटेड ही था. और प्लस हम लोग 4 बजे थे पहुँचे थे, 7 बजे तक हमारा शूट चलता रहा, जबकि होना था 2 घंटे का, बट बीच बीच में जैसे ज्ञानवी उठ रही थी तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया. बट हाँ, जितने भी हमने सेटअप्स कराए, जितने भी फोटोग्राफ्स लिए, बहुत अच्छे आए हैं. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ ज़रूर. तब तक आप देखिए, ये अभी ना फिर से उठ गई थी ज्ञानवी सेकेंड रैप में, आप देख सकते हैं पिंक रैप में. बट वो बार बार यही हो रहा था कि वो उठे जा रही थी. एक्चुअली जनरली वो नहीं उठती दिन में, वो बहुत अच्छे से सोती है, बट शायद वही था कि हमने ट्रैवल किया और काफ़ी लंबा ट्रैवल था. फर्स्ट टाइम उसने इतना लंबा ट्रैवल किया था, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स का, तो थोड़ी सी स्लीप डिस्टर्ब हो गई थी. प्लस वहाँ पे भी बार बार इधर से उधर गोदी में कपड़े चेंज होना, तो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी वो. इस वजह से भी वो शायद बार बार जाग रही थी, और इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया. और जितने ड्रेसेस मैं चाह रही थी चेंज करके करवाना, उतने नहीं हो पाए, बट इट्स ओके, आगे और मौके आएंगे, कराएंगे फिर से फ़ोटोशूट्स. अभी फाइनली सोई है वो, तो सेकंड सेटअप जो था पिंक कलर का, नॉट एग्जैक्टली पिंक, पीचिश
शेड था कुछ, बहुत क्यूट था, बहुत प्यारा था। और वो इस वाले ड्रेस में प्लग भी बहुत प्यारी हुई थी, लाइक देख के ना ऐसा लग रहा था कि नज़र ही ना लग जाए मेरी, बट हाँ बहुत प्यारी लग रही थी। फ़ोटोज़ में भी दिखाऊँगी आपको, ये देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है। तो जो ये ऐसे अभी फिर से जग गई है, और ऐसे वाले जो पिक्चर्स होते हैं ना जन, अभी वीडियो में तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, कितनी अच्छी चीज़ें लग रही है, पर फोटोज़ बहुत फ़नी आ रहे थे, तो इसलिए फ़ोटोग्राफर ने बोला कि सुलाना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल थोड़ा सा होता है न्यू बॉर्न्स के साथ ना, पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, बार बार वो जाग जाते हैं, कभी फूफू कभी पॉटी, ऑल दो डाइपर डाला होता है बट अगर पॉटी किया है तो फिर हमें चेंज करना पड़ता है, या फिर कभी भूख लग गई है तो थोड़ा मुश्किल रहता है न्यू बॉर्न्स के साथ। अभी यहाँ पे देखो आप थर्ड उसका ड्रेस, ड्रेस तो ऑलमोस्ट सेम है, पिंक दैट पिंक वाला रैप, बट हाँ सेटअप डिफरेंट है। आप भी ना बताना कमेंट करके कि कौन सा सेटअप आपको सबसे अच्छा लगा। अभी यहाँ पर हो रहा है फैमिली फ़ोटोशूट, तो सबसे पहले मदर के साथ यानी मेरे साथ, बहुत ही प्यारी, मतलब ना उससे नज़र ही नहीं हट रही थी जितनी प्यारी वो लग रही थी, पिंक पिंक एकदम पिंकिश, वो शायद लाइट्स की वजह से भी बिल्कुल पिंक सी डॉल लग रही थी, और जब हेडबैंड पहनाया तो और भी बहुत ही परी जैसी। बस ये था कि मुझे डर भी लग रहा था कि नज़र ना लग जाए, मेरी ही नज़र ना लग जाए, कहते हैं कि माँ की नज़र सबसे ज़्यादा जल्दी लगती है, नज़र भी देखी जा रही थी, बहुत प्यार आ रहा था उसके ऊपर। बहुत ही क्यूट क्यूट पोजेज हो रहे थे। अभी बारी आई पापा की भी, तो मम्मी पापा दोनों के साथ पोज़ हो रहे थे। विकास ने बहुत शाय है, एक्चुअली फ़ोटोग्राफ्स कराने के मामले में बहुत शाय है, तो फोटोग्राफर बहुत अच्छे हैं बट खुद की जब बारी आती है क्लिक करवाने की तो बहुत शर्माते हैं, आई डोंट नो व्हाई। Sorry? Yes. So you close your eyes and give her a kiss and you give her a double and give her a kiss. Now you can put your face next to your red face. You see, this is the one that I hate with the beard hair. You can lift it up a little higher so you're not slouching down as much. Okay, and turn your face a little multi-facey. Just cover her up. Where must I keep my hands? Your hands are perfectly fine. Okay. Wait, can perfect. Okay, I want you guys to look at each other first. Look at each other. And look at baby. Gorgeous. Now, Mom, I want you to put your hand on your lap. Okay. I want you to put the one hand behind your head like this. Okay. Yes, like that. So you're going to put that against your chest. Her head's going to be there. The other hand you're going to hold in the front. Okay. Okay. Perfect. It's a bit down. Move the bottom hand towards yourself. I want it a little bit higher. Straight up. Okay. Gorgeous. Okay. Are you okay? Yeah. It feels like I have to get this close to people and then they get creeped out because I'm in their face. Yeah. But it works well here. Okay. Because then I don't have to be 3 meters away and if something happens, I'm not. Thank you.
for the day. Now we are changing our clothes to go home. तो गाइज़ ये था हमारा एक्सपीरियंस ज्ञानवी के फ़ोटोशूट के साथ. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया. हमें भी पहली बार ऐसा देखा कि कैसे न्यूबॉर्न्स के फ़ोटोशूट्स होते हैं, और लाइक बहुत ही मुश्किल काम है. लाइक हैट्स ऑफ टू फोटोग्राफर्स, इतने प्यार से बेबी को हैंडल करना, काम डाउन करना, पेशेंस, सब कुछ लाइक बहुत सारा कुछ चाहिए ये सब के लिए. सो वी आर हैप्पी कि हमने LM फोटोग्राफी को चूज़ किया अपने न्यूबॉर्न के फ़ोटोशूट के लिए. प्लस जो फोटोग्राफर थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे. लाइक जितना जैसे ज्ञान भी बार बार उठ रही थी, परेशान हो रही थी, वो भी बहुत पेशेंटली डील कर रही थी उसके साथ. तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस. ज्ञानो सो फॉर द डे वी विल डेफिनेटली शेयर आवर फोटोज.